फ्रेंड्स, आज मैं बात कर रही हूँ सोशल स्किल्स की और उसमें बात कर रही हूँ पांच आदतों की। इन पांच आदतों को अपनाते के साथ ही आपकी लाइफ में देखिएगा कैसे जादू आता है। यानी कि पहली चीज, अपने आप को कंफर्टेबल करना और कॉन्फिडेंट दिखाना है। यानी कि आप लोगों से कैसे बात कर रहे हैं और किस तरीके की एनर्जी के साथ मिल रहे हैं। यहाँ पर ये तो ऑब्वियस है कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही आपको मिलना है, बट उसमें भी ध्यान रखना है कि आप बहुत ज्यादा हाई एनर्जी के साथ मिल रहे हैं या मीडियम एनर्जी के साथ। लो एनर्जी तो बट ऑब्वियस है कि कहीं पर भी आपको अप्लाई नहीं करनी। जब भी किसी से आप मिल रहे हैं तो आपको गर्म जोशी के साथ मिलना है, यानी कि स्माइल तो बट ऑब्वियस है कि आप कैरी करेंगे। द सेम वे आप उनको गले लगाते हैं या हाथ मिलाते हैं, इस तरीके से आप उनसे मिल सकते हैं। सो ये चीजें, ये प्रोटोकॉल आपको ध्यान रखने हैं। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, तो दूसरी आदत आपको अपनानी है कि लाफिंग विद योर आईज। यानी कि जब कभी हम बात नहीं कर रहे हैं तब भी दूसरों के हंसी मजाक सुनते सुनते हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो आंखें वो भी पॉजिटिव वे में दूसरे को देख रही हैं और पॉजिटिव वे में दूसरे को ले रही हैं। कई बार हमें लगता है कि क्या फर्क पड़ता है, दूसरे को क्या पता लग रहा है। जैसे हमने फ्रोंड आईज करी, यानी कि थोड़ी सी भी भौंहें सिकोड़ी या किसी को लाइक नहीं करा, हमने इस तरीके से देखा। ये जो इस तरीके का देखना होता है वो सामने वाले को तुरंत पता लग जाता है। सो आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्माइल के साथ साथ ये जो पॉजिटिव आई जेस्चर है, यानी कि आंखों से हंसना, उसको जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका सीधा साधा मतलब होता है कि आप सामने वाले की कंपनी कितना एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज और है कि जब हम सोशल स्किल्स की बात कर रहे हैं तो सामने वाले को आप कितना इंपॉर्टेंट शो कर रहे हैं। सामने वाले के दिल पे आप तभी घर कर पाएंगे जब उसको लगेगा कि आप उसको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। सो ये जो चीजें होती है आप बार बार शब्दों में नहीं बता सकते हैं, उसके लिए कुछ जेस्चर्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और हाँ, एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि हंसी मजाक जरूर करिएगा, लेकिन लाफ्टर ऐसा होना चाहिए जो नॉर्मल हो, फोर्स नहीं होना चाहिए कि आप जबरदस्ती कोई मजाक कर रहे हैं, जबरदस्ती आप ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर खुदा ना खासा आपको मजाक करना ज्यादा नहीं आता है तो वहां पर मजाक करने से बचिएगा। हाँ, आप इतना जरूर कर सकते हैं कि जब सामने वाला मजाक कर रहा हो तो आप उसके मजाक में शामिल हो, यानी कि वहां पर आप ठहाके लगाए और मुस्कुराए भी, आप ह्यूमरस अपने आप दिखेंगे। साथ साथ फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ध्यान रखना है जेन्युइन आई कॉन्टैक्ट। जेन्युइन आई कॉन्टैक्ट की बात आती है कि कई बार क्या होता है, हमें कहा जाता है कि आंख से आंख मिलाकर बात करो, बहुत अच्छी बात है क्योंकि उससे शो होता है कि हम कितने निडर हैं, कितना अपने आप में ट्रुथफुल है। बट यहाँ पर मैटर करता है कि कई बार ये जो आंखों का ब्लिंक करना होता है, यानी कि पलकें झपकाना होता है, ये भी बहुत जरूरी होता है कि आप किसी बड़े से बात कर रहे हैं कि कई बार आप बहुत अच्छे से सुन रहे हो, उसके लिए भी आंखों का ब्लिंक करना बहुत जरूरी होता है। और ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए कि आप किसी को घूर रहे हैं। और इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कभी आप किसी को बहुत स्ट्रांग पॉइंट अपना बता रहे हैं या कोई बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, तब भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो आई कॉन्टैक्ट है या आपके जो आईज के जेस्चर है वो किस तरीके का हो। यानी कि आपको कई बार हो सकता है कि सामने वाले की आंख में आंख दिखाकर आधी बात करनी पड़े, हो सकता है कि थोड़ा सा उसमें नजर झुका के भी बात करनी पड़े, और कई बार आंखों से हंसना भी पड़े। सो यहाँ पर आपके बोलने से ज्यादा मैटर करेगा कि आप किस तरीके का आई कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट करना है दूसरे को। यानी कि कोई भी खूबी, कोई भी अच्छी चीज सामने वाले की ढूंढ के उसकी तारीफ करनी है, और वो जेन्युइन होनी चाहिए। उसमें कतई भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप फेक कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि तारीफ आपने जाते के साथ ही कर दी, उसके लिए आप थोड़ा सा समय ले सकते हैं, लेकिन वो जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देना मत भूलिएगा। और हाँ, कई बार एक चीज और आती है कि कई लोगों को कॉम्प्लीमेंट देना नहीं आता है, तो वहां आप इस तरीके की चीजें कर सकते हैं कि आपकी साड़ी का कलर अच्छा लग रहा है, या आपके शर्ट का कलर अच्छा लग रहा है, या आपके स्वेटर का कलर अच्छा लग रहा है, कुछ भी इस तरीके का। जब अगला कहेगा कि नहीं नहीं ऐसे ही खरीदा था, नहीं, इट्स वेरी गुड। सो ये जो बात करने के तरीके होते हैं कि नॉर्मली किस तरीके से आप सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई भी आपकी कंपनी में आए, कोई भी आपसे मुखातिब हो, उसको कंफर्टेबल करना बहुत जरूरी होता है। यानी कि जो भी आपसे मिले वो आपकी कंपनी को एंजॉय करके जाए। कई बार क्या होता है कि ऐसा सोशल गैदरिंग हो रही होती है, कई बार ऐसे सोशल सर्कल में हम बैठे होते हैं जहाँ कुछ लोगों को हम पसंद नहीं कर रहे होते हैं, और कई बार वो ऐसे सिचुएशन में फंस रहे होते हैं जहां पर वो लोगों का आंसर नहीं दे पा रहे होते या उनकी सिचुएशन किसी तरीके से वर्स्ट हो रही होती है। सो अगर आप में ट्रू लीडरशिप है और अगर आप वाकई बहुत अच्छे इंसान है, आप उस इंसान की भी हेल्प करेंगे जिसे आप पसंद नहीं करते, आप उसको कंफर्टेबल भी करेंगे और उसका साथ भी देंगे और उसका ध्यान भी रखेंगे। एंड फ्रेंड्स, बिलीव मी, जब आप ऐसा करेंगे तो अगला आपका इस तरीके का दिया हुआ साथ कभी नहीं भूलेगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत चुनिंदा पांच आदतें बताई हैं, सो इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। एंड होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा,
और जिन प्यारे फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।